श्रीमद् भगवद गीता में ड्यूटी को बहुत इंपॉर्टेंट बताया गया है। आपका कर्तव्य, आप जो कुछ भी है, जिस स्टेज पे भी है, आप स्टूडेंट हैं या हाउस होल्डर हैं या आप वृद्ध अवस्था में हैं, हर जगह पे आपका आपकी कुछ न कुछ ड्यूटी है। वो ड्यूटी को समझना और उसको करना, इसी पे एम्फेसिस दिया गया है श्रीमद् भगवद गीता में। चैप्टर 6 के श्लोक 33 से 36 तक डिस्कशन इसी की बारे में है कि ड्यूटी क्या है और मन को कैसे कंट्रोल करके ड्यूटी करनी चाहिए। श्री भगवान कहते हैं कि आप जब कुछ करते हैं पूरे मन से करें, पूरा दिल लगा के करें और उसकी कुछ फल की चिंता मत करें। ये मत सोचें कि ये मैं कर रहा हूँ मुझे क्या मिलेगा, क्योंकि ये तो आपकी ड्यूटी है, आपका कर्तव्य है, इसीलिए आप इस दुनिया में आए हैं। और जिस समय आप अपना कर्तव्य निभाते हैं अच्छी तरह से, आपको बहुत ही शांति मिलती है और वो काम भी बड़े अच्छी तरीके से होता है। आज के युग में जितने मैनेजमेंट गुरुज हैं वो सब माइंडफुलनेस पे बहुत जोर देते हैं। माइंडफुलनेस क्या है? ये समझ के मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, मेरा क्या कर्तव्य है, अभी मैं किस जगह पे हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या मेरा मन पूरी तरह से इसमें है जो मैं कर रहा हूँ, ये बहुत ज़रूरी है। ये ज़रूरी है हर एक ऑफिस में, ये ज़रूरी है हर एक घर में। अभी मैं एग्जांपल देता हूँ कि ऑफिस में एक जूनियर आपका स्टाफ आपके कहने पे बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन बनाता है, बड़ी उत्सुकता से आपके पास आता है, आपको प्रेजेंटेशन दिखाता है, आप देखते हैं सुनते हैं, लेकिन आपका मन कहीं और, वो बहुत उत्सुकता से बहुत आशा से पूछता है कि कैसे रही। आप कहते हैं ठीक है, आपके पास कुछ शब्द उसका फीडबैक देने के लिए नहीं है क्योंकि आपका मन कहीं और था। तो ये लैक ऑफ माइंडफुलनेस है। इसी वजह से आजकल मैनेजमेंट गुरु 10-10 दिन का प्रोग्राम सिर्फ माइंडफुलनेस पे कराते हैं। ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस माइंडफुलनेस ऑफ द पीपल इसी पे डिपेंड करती है कि अपना काम लोग कितने ढंग से, कितना दिल लगा के करते हैं। माइंड को पकड़ा नहीं जा सकता, किसी जगह पे स्थिर नहीं किया जा सकता, ये बहुत मुश्किल है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मुश्किल तो है लेकिन असंभव नहीं है। धीरे धीरे ध्यान लगा के कंटिन्यूसली कंसिस्टेंटली आप करो तो ये कंट्रोल में आ जाता है। यही बात समझते हुए जो ऑर्गेनाइजेशंस के चीफ हैं वो समझते हैं कि माइंडफुलनेस की ट्रेनिंग आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आजकल डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं, सोशल मीडिया है और भी कई किस्म की डिस्ट्रैक्शंस हैं, तो वो डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल करने के लिए सो दैट अपना आप अपनी ड्यूटी अच्छी तरह से निभाएं, अपना दिल उधर लगाएं, माइंडफुलनेस के कोर्सेज किए जाते हैं। ऐसे ही भगवत के भी, श्रीमद् भगवत गीता के भी कोर्सेज किए जाते हैं और जानने जहाँ नहीं जा रहे वहाँ जाने चाहिए, क्योंकि भगवत गीता एक मैनुअल है हाउ टू लिव। मतलब ये आपको अगर गीता का कोर्स किया जाए, करवाया जाए, तो माइंडफुलनेस डेफिनेटली आएगी और आपका दिल आपकी ड्यूटी में लगेगा, जिससे आपको सफलता प्राप्त होगी। लेकिन
आपने काम जो किया है उसका रिजल्ट क्या निकलता है उसके बारे में सोचना नहीं, उसके बारे में आपको कुछ चिंता नहीं करनी चाहिए, वो तो मिलेगा। धीरज रखे, कॉन्फिडेंस रखे, फेथ रखे। सो माइंडफुलनेस और भगवत गीता, दे आर इंटरट्वाइंड। माइंडफुलनेस के लिए, अपनी ड्यूटी निभाने के लिए आप भगवत गीता पढ़ें, श्रवण करें, दूसरों को सुनाएं। हरे कृष्ण।